शनिवार में हो जाएगा। आपने ये कहा शुरू में, बहुत महसूस हुए हम आपके प्रोग्राम से, कि डॉ के डॉक्टर या पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर हैं वो वहीं पे रहते तो शायद वो मरीज बेहतर होता। इसी हवाले से एक छोटी सी सीरियस नोट पे मैं बात करनी चाह रहा था, अगर आप इस पर कहना चाहें कि पाकिस्तान के अंदर जो फिजिशियंस की किलिंग है और उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, वो एक ऐसा अहम मसला है जिसके बारे में बहुत कम कुछ कहा गया है प्रेस के अंदर और मीडिया के अंदर। मैंने, आप भी डॉक्टर हैं तो मैंने तो बहुत बात की है, बल्कि मेरे सारे दोस्त हैं जितने डॉक्टर्स जो हैं, अब अली रिजवी साहब जैसे आदमी ये अपने साथ एक गांव के बात की वो भी छोड़े नहीं, वो वहीं रहेंगे, मगर ये किस्मत ख़राब है इस मुल्क, ये हम कुछ नहीं कर सकते। ये कयामत की वो निशानियाँ हैं जो लिखी हुई नहीं है। सवाल पूछने से पहले नाम बता दें, अपना नाम जनाब अंदर उसूल साहब, आपकी दानिशरी काबिल तहसीन है, काबिल सत्ताईश है, जमहूरियत में आपने बड़े अच्छे से रेडियो प्रोग्राम किए हैं, उसको मैंने भी कभी कॉल भी किया है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक बात ये बताइए जमहूरियत के हवाले से कि पाकिस्तान में कूड़ा भी फौज उठाए, बदमाशों को भी फौज पकड़े, सैलाब को भी फौज रोके, अर्थक्वेक में भी फौज काम करे, सड़कें भी फौज बनाए, तो जमहूरियत का फायदा क्या है? व्हाई नॉट आर्मी? आप देखिए पाकिस्तान की बात की है आपने, अस्करी अपार्टमेंट्स शाही नहर में, अस्करी के अस्करी यूटिलिटी स्टोर्स, अस्करी हर चीज़ अस्करी। तो अब तो एक काम, अब मतलब इतनी बहुत बहुत फौज है हमारे यहाँ तो क्या करें। क्या अभी भी जो है वो परचम स्त्री हो रहे हैं? परचम जो है असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है माइनॉरिटीज का, क्योंकि सफेद जो हिस्सा है झंडे में वो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लिए है, मगर वो ये कह रहे हैं कि आपने डंडा भी उसी में लगाया हुआ है। पाकिस्तान दो लाख हुआ तो क्या हम कभी भी रिकॉन्साइल कर पाएंगे इस चीज़ को? ये बहुत दुखी बात है कि अगर किसी इंसान का आधा एक हाथ कट जाता है तो सारी जिंदगी दुख महसूस करता है। हम लोगों का एक हाथ कट गया, हम भूल गए उसे, और क्या कहें, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब अच्छा हिस्सा था, उनके वोट से ही पाकिस्तान बना, मगर हमने हमेशा ट्रीट उनको सही नहीं किया और ये दुख रहेगा बहुत। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर काशिफ सुहेल सफीर पाकिस्तान से। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप इधर आए, बहुत सी इवेंट्स होते हैं मगर अभी आप देखिए कितना सुपर हिट कर दिया आपने। सवाल मेरा ये कि आपको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, आपने भी पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, यू आर लकी, यू आर एबल टू गिव सो मच टू पाकिस्तान। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से आपको कुछ मिले, कुछ कोई फर्दर आही, कोई ऐसी ख्वाहिश खास जो आप चाहते हैं? से जो हालात है, अब मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे जेल हो जाए ताकि आप चैन से सो सकें। मेरा नाम इमरान शाहिद है, मैं उर्दू टाइम न्यूज़पेपर से वापस था। एक तो आप
معین اختر صاحب کے بارے میں کوئی آپ کے خط میں ذکر نہیں ہوا, اور دوسری بات یہ نیب کے ایپ یا ویب آپ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟